हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। भाई आज हम आपसे मिलाने लाए हैं एक ऐसे जानवर को जो छोटू है लेकिन किसी से कम नहीं, दिखने में मासूम है लेकिन खतरों का बाप है। आंख दिखाने की बारी आए तो ये छोटू मास्टर किसी से नहीं डरते। छोटू एनिमल की ये प्रजाति अपने रंग और रूप के लिए बहुत फेमस है, लेकिन इनका आक्रामक अवतार किसी से भी छुपा नहीं है। अभी तक अगर आप नहीं समझ पाए कि मैं किन एनिमल की बात कर रहा हूँ तो बता दूं, यहाँ बात हो रही है कार्जा की। मिजल्स की फैमिली से संबंध रखने वाली कार्जा दिखने में भले ही छोटी और क्यूट है, लेकिन हरकतों से इतनी ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं। इसलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और इस छोटा पैकेट बड़ा धमाका से मुलाकात करते हैं। चैनल तो सब्सक्राइब है ना। मिलिए दोस्तों, ये है कार्जा। दुनिया में अगर सबसे बड़े और कलरफुल मार्टिन्स की बात की जाए तो कार्जा इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। मासूम से दिखने वाली ये कार्जा की लंबाई 80 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें इसकी लंबी पूंछ भी शामिल है। हाँ, यही पूंछ। वजन की बात की जाए तो खा पी कर मस्त रहने वाली कार्जा का वजन लगभग 7 किलोग्राम तक हो सकता है। अगर आप इस प्यारे से जानवर से मिलना चाहते हैं तो आपको दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप चाहें तो चाइना, कोरिया और रशिया की तरफ भी अपने कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये छोटू यहीं अपना धमाका दिखाती है। इसकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी मदद से कार्जा चंद मिनटों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाती है, बिल्कुल लैपर्ड की तरह। पेड़ों पर रहना कार्जा को बेहद पसंद है, लेकिन पेड़ों के अलावा पहाड़ों और जंगलों में भटकते भी आप इसे देख सकते हैं। कार्जा काफी एक्टिव है, लेकिन फुर्ती के अलावा कभी कभी ये अपना आलसीपना भी दिखाई देती है। छोटी भले ही है, लेकिन कार्जा फुर्ती से भरी हुई है। हाँ, वो बात अलग है कि जब सोने का टाइम हो तो इसे जगाना किसी के बस की बात नहीं है। घोड़े के साथ तबेला भी बेचकर सोती है कार्जा। बात करें इसके शिकार की तो कार्जा ज्यादातर पेट पूजा का इंतजाम दिन के उजाले में ही करती है। जब पेट पूजा की बात होती है तो कार्जा की फुर्ती डबल हो जाती है। शिकार के लिए पेड़ों पर छलांग मारनी हो या जमीन पर जमकर दौड़ लगानी हो, कार्जा हर चीज में आगे होती है। छलांग के मामले में ये छोटी प्लस क्यूटी सी एनिमल 9 मीटर लंबी उछाल मार सकती है। उछल कूद में माहिर ये छोटी पानी से भी नहीं डरती। हाँ, वो बात अलग है कि नहाने के नाम से पीछे हट जाती है, वरना पानी से खाना ढूंढना हो या खुद की जान बचानी हो भागने में एक्सपर्ट है। कार्जा की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि जब शिकार की बात हो कार्जा बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाती, क्योंकि जब इसे अपना खाना दिखता है तो उसे पकड़ने के लिए कार्जा 20 किलोमीटर की दूरी तक बिना रुके बिना थके लगातार भाग सकती है। जी हाँ, इस छोटू के लिए थकना मना है। अब जो मैं आपको कार्जा के बारे में सबसे खास बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, कार्जा हमेशा झुंड में शिकार करती हैं। शिकार करने का इनका यह तरीका इन्हें सिर्फ मजबूत ही नहीं ताकतवर भी बनाता है, और शिकार के बीच में इनका डर बिठाता है। एक ग्रुप्स में 2 या 4 कार्जाज होती हैं। यू तो कार्जाज नट्स बेरीज खाती हैं। वो क्या है ना, कभी कभी नॉन वेज के साथ वेज भी मजा देता है। वैसे अगर आप नट्स बेरीज का नाम सुनकर ये सोच रहे होंगे कि ये छोटू एनिमल शाकाहारी है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये अपना 90% खाना जानवरों को बनाती है। जानवर भी छोटे जैसे चूहे, छिपकली, इंसेक्ट्स ये नहीं, बल्कि इनसे बड़े जैसे खरगोश, बर्ड्स, यहाँ तक कि ये लोग बंदरों से भी भिड़ जाते हैं। लेकिन इनका जो फेवरेट फूड है वो है हिरण। जी हाँ, साइज छोटा है तो क्या हुआ, बॉस शौक तो बड़े बड़े हैं। हिरण की तो चाहे कोई भी प्रजाति हो कार्जा को लुभाती लुभाती है, फिर चाहे वो मस्क डियर हो या फिर कोई और डियर। हिरण को देखते ही कार्जा के मुंह से लार बहने लगती है और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। जिस तरह से शेर भैंस को देखकर बौखला जाता है, उसी तरह से कार्जा भी हिरण को देखकर पागल हो जाती है। आप देख ही सकते हैं कि कैसे कार्जा हिरण के बच्चे को डिनर के लिए तैयार कर रही है। इनके शिकार करने का तरीका बताता हूँ, बड़ा इम्प्रेसिव है। जब ग्रुप में 2 कार्जाज होती हैं, तो वो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर चलती हैं। शिकार की तलाश में इनके बीच का डिस्टेंस यही कुछ 20 मीटर का होता होगा। अब जब इन्हें खाना मिल जाता है तो ये एक स्पेशल तरह के साउंड से एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। इसे यापिंग साउंड्स कहते हैं, बोले तो चिल्लाना। और ये फिर दोनों मिलकर अपने शिकार को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ से उसको अच्छी तरह से डिनर टेबल तक पहुँचाया जा सके। कार्जा हर तरह के मौसम में सरवाइव कर सकती है, वो भी बड़ी अच्छे तरीके से। यहाँ तक कि बर्फ की मोटी चादर के बीच भी कार्जा के लिए शिकार करना कोई आसान काम नहीं होता। इवन बर्फीले इलाके में तो कार्जा के लिए शिकार करना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जानवर बर्फ में ठीक से भाग नहीं पाते, खासकर हिरन। और कार्जा इसी बात का फायदा उठाती है, क्योंकि कार्जा तो बर्फ हो या पेड़ हर जगह आराम से भाग सकती है। अब जब बर्फ के बीच शिकार भागते भागते थकता है तो थक कर रुकता है, तभी कार्जा उस पर झपट्टा मारती है और पेट पूजा का इंतजाम कर लेती है। दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा कि छोटे जानवर बड़े शैतान होते हैं। अब देख भी लीजिए, क्योंकि हमारी कार्जा भी उन्हीं जानवरों में से एक है, छोटी लेकिन खूब शैतान। ये बात है साल 2016 की, जब कार्जा को एक जू में रखा गया था। उछल कूद करते करते ये कार्जा ने हद पार कर दी और वो जिस जाल में बंद थी उस जाल को काट कर बाहर आकर कोर्टयार्ड में आ गई।
वो तो शुक्र हुआ कि जू के स्टाफ ने कार्जा को देख लिया और फौरन उसे पकड़ने में लग गए। लेकिन हमारी कार्जा की स्पीड तो इतनी है कि उसे पकड़ना किसी के बस की बात नहीं। यहाँ भी यही देखने को मिला, कोई जू मेंबर उसे नहीं पकड़ पाया। आखिरकार थक हार कर जू के स्टाफ ने कार्जा को कोर्टयार्ड में ही बंद कर दिया। लेकिन कार्जा यहाँ भी नहीं रुकी, वो यहाँ से चली और अलेक्जेंडर पार्क के एक पेड़ पर चा चढ़ी। अब हमने तो आपको बता दिया है कि कार्जा पेड़ पर चढ़ने और उतरने और कूदने में एक्सपर्ट है, लेकिन जू के स्टाफ को ये किसी ने नहीं बताया था, इसलिए उन्हें लगा कि कार्जा इस ब्रांच पर ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी और उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जू के ऑफिसर्स ने इमरजेंसी सिचुएशन की मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन दी, जिन्होंने पेड़ पर पानी बरसाया और किस्मत से ये उपाय काम भी कर गया, क्योंकि कार्जा को नहाना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो कार्जा नीचे आ गई। लेकिन सिर्फ नीचे आई, किसी जू ऑफिसर या स्टाफ के हाथ नहीं आई। वो क्या है ना, छोटू सी कार्जा काफी चालाक भी है। यहाँ से कार्जा ने वापस उसी बाउंड्री को पार किया जिसे पार करके वो इस पार्क में पहुंची थी और वापस अपने इलाके में पहुंच गई। इलाका यानी कि कोर्टयार्ड जहाँ उसे बंद किया गया था। ऐसा ही कुछ देखने को मिला साल 2018 में, जब एक और कार्जा जू की सलाखों को तोड़कर फरार हो गई। लेकिन इन देवी जी की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए भाग जाने के दो दिन बाद ही ये जू स्टाफ्स के हाथ लग गई और इन्हें वापस इनके इलाके में पहुंचा दिया गया। बाप रे, ये कार्जा तो काफी ज्यादा शैतान और मस्तीखोर है। वैसे मस्तीखोर समझने की गलती ना करें, क्योंकि जब ये काटती है तो आपकी चीखें ऊपर वाला भी सुन लेता है, इसलिए इस छोटू जानवर को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वेल दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप आगे भी इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। कार्जा कैसी लगी कॉमेंट भी कीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।